मेरा नाम राहिला यासीन है और मैं एक्चुअली काठी दरवाजा बादाम वाले एरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी अपर टाउन में हो गई है अलूची बाग साइड से। आर्ट का सफर मुझे बचपन से ही मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो गई थी। बचपन में मैं स्कूल टाइम्स में मतलब छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं आई यूज टू टेक पार्ट एंड हैप्पीली आई यूज टू टेक पार्ट और हमेशा मतलब मैं मेरिट लिस्ट में ही आती थी और कभी मतलब मैं बैठी होती थी एंड आई यूजली स्पेंड माई टाइम स्पेयर टाइम जो बच्चे खेलने कूदने में मैं ज्यादा आर्ट में ही वो स्पेंड करती थी। रिकॉग्निशन मैं कह सकती हूँ मतलब आफ्टर आई वेंट यू नो इनटू द कॉलेज कॉलेज टाइम में मैंने एक जगह पार्टिसिपेट किया था वो इवेंट था IUST कॉलेज में और वहाँ पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे ऐसे एंड आई वाज नॉट दैट टाइम नोइंग दैट आई हैव दैट मच ऑफ ड्राइंग स्किल्स। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ थीम दी और छोटे मोटे टाइम में भी आधे घंटे में उस थीम को आपको ड्रॉ करना था तो आई स्टूड थर्ड दैट टाइम और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो इट डजेंट मैटर फर्स्ट सेकेंड थर्ड बट मैं कहीं ना कहीं मुझे वहां से ये शौक पैदा हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ आर्ट में और मुझे लगा कि मैं नहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सलाहियत है अभी बाकी। तो वहां से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया घर से ही मैं पेंटिंग्स बनाने लगी एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे मैं शेयर करती रही और लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा फ्रेंड्स का फैमिलीज का। पहले तो मेरे अकाउंट्स में इक्का दुक्का लोग ही मतलब ऐसे होते थे जो मतलब मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी। देन माई अकाउंट ग्रू बिगर इन नंबर नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े ऐसी ऐसी बाकी चीजें हो गई एंड देन लोग जानने लगे कि ये आर्ट करती है ऐसी चीजें। तो ये चीज इससे मेरा शौक ज्यादा डेवलप हो गया। हाँ मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लिया है साइड बाय साइड मैं आर्ट करती हूँ और एक्चुअली मैं जो हूँ मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एंड आई वाज सर्विंग एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर नाउ आई एम सर्विंग एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर मेरा ये जॉब रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो क्योंकि आर्ट में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसमें मैं ज्यादा अच्छा दे पाती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज में अगर आपको डबल मेहनत भी करनी पड़ी वो नहीं लगती है। अगर आपको रातें भी बितानी पड़ी आपको नहीं लगता है कि आप थक गए। अगर मैं ये काम लूं कि कोई और काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो आपको 2 सेकेंड या ज्यादा हो जाए तो आपको वो लगेगा कि नहीं मुझ पर ओवरलोड हो रहा है काइंड ऑफ ऐसा होता है। तो ये चीज इंसान को देखनी चाहिए कहाँ पे आप इंटरेस्ट है कहाँ पे आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है तो वो उसमें आप जाओ आगे। एग्जीबिशंस एक्चुअली मैंने मेरी बहुत कम रही हैं एग्जीबिशंस क्योंकि अब मैं एक्चुअली जब भी कोई मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट करता था मे बी आई हैव मेड फ्यू पेंटिंग्स ऑन कस्टमाइजेशन बेस्ड तो मैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके साइज के हिसाब से मैं उनको वो पेंटिंग प्रोवाइड करती थी। तो ऐसा रहा है मेरे इस आर्ट का सफर और जो मेरे पास पेंटिंग्स हैं जो मैं अपने लिए या मेरी जो थॉट प्रोसेसिंग होती थी मैं वो पेंटिंग्स या कैनवस पे डालती थी वो मेरे पास कलेक्ट है मेरी कलेक्शन है। मैंने घर पर भी काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं बड़ी पेंटिंग्स छोटी पेंटिंग्स और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारी लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं। तो ये सब मैंने बनाई हुई है और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो मैं लेती हूँ उनमें जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का आपका आउटपुट मिलता है। अपना मेंटर अपने ओबूजी को मानती हूँ बिकॉज इनके प्रिंसिपल्स जो इन्होंने हमें डिसिप्लिन दिया है एंड हाउ टू बैलेंस एंड हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वो चीज़ मैंने अपने ओबूजी से सीखी है एंड अपनी माँ से सीखी है कि दुनियादारी क्या होती है दुनिया के साथ कैसे चलना है आपके इखलाक कैसे होने चाहिए या आप कि नजर कैसी होनी चाहिए आपकी इंटेंशंस कैसे होनी चाहिए। आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स क्योंकि जिन्होंने मुझे बड़ा किया है क्योंकि इंसान हम बोलते हैं एक बच्चा जो होता है वो एक वेट सीमेंट की तरह होता है जब उस पर कोई चीज पड़ जाती है तो वो जब सूख जाता है वो वैसे की वैसे रह जाती है। तो वो वेट सीमेंट उस चीज को तराशा है मेरे माँ बाप ने तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। ये कहना चाहूंगी आर्ट के रिगार्डिंग या मतलब सब पेरेंट्स को या सारी जो भी देख रहे होंगे यंगस्टर्स आप जो अपना शौक है या जो जिसमें आप लगता है कि हम एक्सेल करेंगे उसको आप आगे ले जाए उसमें आप मेहनत करें और उसमें ही जाए क्योंकि जब आप उसमें जाओगे मे बी आप उसमें ज्यादा अच्छा आउटपुट दिखाओगे एज कम्पेयर टू दो दैट कि जिसमें आपको लगता है कि हम ना दिखा पाए या हम लोगों के डर से या सोशल स्टिग्मा के डर से कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है वो लेके चलना गलत है। ये नहीं है बिकॉज सोसाइटी में हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है बींग
इट अ डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्लर्क हो, या हर एक की इम्पोर्टेंस है. अब ये नहीं है कि हमें ये बना तो वी विल फॉलो द क्राउड. तो ये चीज करें आप देखिए आपने किस चीज के, मतलब किस चीज को करने की सलाहियतें ज्यादा है, आप उसी को लेके चले, तो आप एक अच्छे और बेटर इंसान बन सकते हैं.